गाइस आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर पर। और गाइस आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ प्रो टिप्स ऑफ 3x3 क्यूब। एक आदमी ने मेरे से पूछा था कि भाई साहब कैसे हम एक 3x3 क्यूब का जो 3x3 क्यूब को हम ये कॉर्नर है ये कॉर्नर को कैसे हमको ठीक करना है। भाई कॉर्नर कैसे ठीक करना है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि हमको कैसे कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, ये टॉप लेयर के लिए या बॉटम लेयर के लिए, वो तो भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आया। तो गाइस वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर गाइस मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप क्यूब को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैंने अभी इसे स्क्रैम्बल कर लिया, आप इसे देख ही सकते हैं स्क्रैम्बल्ड है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ प्रो टिप्स, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे किस स्पीड से सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस तो ये देखिए मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले हमको व्हाइट प्लस बनाना होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग अगर मेरा वीडियो मतलब ढंग से अच्छे से देख के उसको अच्छे से समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, तो आप देखिए व्हाइट प्लस बन गया इतनी जल्दी। ओके गाइस तो आप इस स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी आसानी से सब कुछ बना सकते हैं। आपको दिखाता हूँ एक बार, अभी मैं आपको सारे कॉर्नर साइड सेट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा सारे कॉर्नर सेट हो चुके हैं अपने सही जगह पे। ओके अब इसी तरह से मैं आपको अपने ये जो है ये सारे ये सब भी सही करके दिखाता हूँ। ये एक हो गया, अभी ये दूसरा हो गया, और उसके बाद ये देखिए गाइस ये हो गया मेरा पूरा का पूरा। जो एजेस रहते हैं वो भी मैंने पूरे के पूरे सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे 2 लेयर सॉल्व हो चुके हैं बड़ी आसानी के साथ। अब मैं करूंगा टॉप लेयर सॉल्व, मेरा एल केस आया है, ये देखिए बन चुका है मेरा प्लस। ओके गाइस अब मैंने जो आपको बताया वो सब तो होता है बेसिक्स। अब ये जो चीजें हैं ये सब मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ये सब मैंने खुद से किया है। वो क्यूब सॉल्व करना मैंने कहीं से सीखा है, पर आप लोग मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। ओके गाइस ये देखिए मैंने कॉर्नर का भी सारे के सारे ऊपर का प्लस भी मैच कर दिया, एक कॉर्नर भी सही जगह पे आ गया। अब देखिए गाइस ये 2 कॉर्नर बचे हैं गाइस। तो ये वाला एल्गोरिथम भी मैं आपको बताऊंगा वाला हूँ प्रो टिप्स में। और ये देखिए गाइस ये हो चुका है बहुत ज्यादा आसानी के साथ हमारा क्यूब सॉल्व। ओके गाइस तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ प्रो टिप्स, पहले मैं इसे एक और बार स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके गाइस तो अब देखिए ये हो चुका है पूरी तरह से स्क्रैम्बल्ड। ओके गाइस अब हमें इसे मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले आप पहले येलो ऊपर एक प्लस बनाते थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब मैं क्या करता हूँ देखिए मैं यहीं पर डायरेक्ट प्लस बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ ये देखिए ये ब्लू रेड से मैच है, तो मैं इसे एक बार नीचे ले आता हूँ और इसे यहाँ से ऐसे टर्न कर देता हूँ क्योंकि ऊपर ब्लू है। ओके ब्लू ब्लू मैच हो गया देखिए। अभी फिर क्या पे इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे देखिए रेड पहले यहाँ पे रेड रेड यहाँ मैच हो रहा है, ऊपर व्हाइट, तो हम इसे नीचे कर देते हैं काम करते हैं। यहाँ ऑरेंज से भी हम मैच कर देते हैं। अगर हमको ऐसा केस मिल रहा है तो बहुत आसान है हो जाएगा सॉल्व करना। अब आप देखिए एक और कहीं ये रहा, इसे मैं कैसे करूंगा, इसको यहाँ कैसे लाऊंगा मैं, सबसे पहले इसे इधर टर्न कर दूंगा, फिर इसको नीचे ले आऊंगा, फिर इसे वापस ले आऊंगा। आप देखिए ये व्हाइट प्लस हो चुका है बिना ऊपर ये बनाए। ओके तो इसी तरह से हमारा प्रोसेस थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब मैं कॉर्नर कैसे प्लेस करूंगा, ये देखिए नीचे है तो मैं इसे पहले ऊपर ले आता हूँ, ये आ गया ऊपर, कैसे लाया मैंने आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे ऊपर किया, ऐसे टर्न किया ऊपर की तरफ, फिर मैंने इसको यहाँ से इस तरफ कर दिया ताकि ये जब नीचे है तो फ्रंट हो जाए। ये देखिए तो फ्रंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप ये दोनों के दोनों लेयर एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ये है कुछ इस तरह से है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ पर से ओके कुछ खराब तो नहीं हुआ। ओके गाइस अब आप देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे अटैच्ड है। अब आप इसको यहाँ से अटैच कैसे छुड़ा सकते हैं मतलब इसको, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको एक येलो पीस मिलेगा, अगर आपको चाहिए अगर आपको मिल रहा है तो कोई सा भी यहाँ पे कलर हो सकता है, यहाँ पे आए तो यहाँ येलो हो सकता है, यहाँ तो यहाँ कोई कलर हो सकता है। पर अगर ये एज पीस में अगर आपका कहीं पे भी येलो है तो आप क्या एल्गोरिथम लगाएंगे, देखिए एल्गोरिथम नहीं है, आपको क्या करना है, हम इसे कैसे करते हैं रेड रेड कॉर्नर पे मैच है, हम इसे यहाँ से एंटर कर देते हैं, पर ये यहाँ पे घुस जा रहा है, तो हम इसे शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ ले आऊंगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ ऐसे एंटर करूंगा। ओके तो मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे कर दिया। ओके यहाँ नहीं
यहाँ, ओके। अब यहाँ करने के बाद मैं इसे यहाँ इधर ले आऊंगा और यहाँ पे घुसा दूंगा, ओके। ये भी सेट हो गया और हमारा ये बच गया। तो इसी तरह से अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं इसका एज पीस ढूंढता हूँ। अगर वो मेरे को यहाँ पे मिल जाता है तो मैं यहीं पे फिक्स कर देता हूँ फटाक से, पर अभी वो यहाँ पे है तो मैं पहले इसको यहाँ निकालूंगा बाहर। निकाल दिया। अब देखिएगा ये यहाँ आ गया, हम इसे फटाक से इसे सेट कर लेता हूँ। ओके ये हो गया सेट। अब उसके देखिए ये ब्लू ब्लू कॉर्नर से मैच है, यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है तो हम इसे नॉर्मली घुसा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ओके ये हो गया एंटर। अभी ब्लू ब्लू मैच हो गया क्योंकि ये ऊपर ही है तो मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया। देखिए ये भी हो गया। अब हमको ये दोनों करने हैं तो इसको मैं पहले बाहर निकालता हूँ, ये यहाँ पे, तो मैं इसे इधर करूंगा और इसे आउट कर दूंगा। अभी आउट आ गया है। अभी ग्रीन ग्रीन कॉर्नर से मैच है, पीछे येलो है तो हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अभी मेरे को इसका ढूंढना है, ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पे है तो मैं इसे फटाक से एंटर कर देता हूँ। अब देखिए गाइस ये ऊपर है तो ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सबसे पहले इधर ले आता हूँ और उसके बाद इसको मैं दो बार टर्न करता हूँ। आप मैंने आपको बताया था एक बार टर्न करना है, आप इसे दो बार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपका थोड़ा जो है थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है आपके लिए, या तो फिर लॉन्ग भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके अब मैं इसे नीचे करता हूँ और अभी ये देखिए रेड रेड मैच हो गया। अब इसका पीस तो यहाँ पे, तो हम इसे ऐसे मैच कर सकते हैं। अभी यहाँ आ गया, अब हम इसे यहाँ फिक्स कर देंगे। ओके ये देखिए तो ये हो चुका हमारे दो लेयर सॉल्व बहुत ज्यादा आसानी के साथ। अब देखिए गाइस हमारा इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओके सबसे पहले मैं इसे यहाँ से करता ताकि खराब हो जाए, डॉट केस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लाइन केस बनाता हूँ, ना कि एल, डायरेक्ट लाइन। ओके ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए एफ आर यू आर एम यू प्राइम आर यू आर एम यू प्राइम एफ प्राइम। अब देखिए डायरेक्ट एल हो गया। ओके इस तरह से आप इसे डायरेक्ट एल बना सकते हैं, मतलब लाइन बना सकते हैं। और या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, ये देखिए आप इसे सिंगल बार ऐसे कीजिए एक बार, फिर उसके बाद ये देखिए आपको एल मिल गया। अब आप इसे ऐसे पकड़ लीजिए उल्टा एल की तरह मिरर फॉर्म में। अब आपको क्या करना है फिर से सेम एल्गोरिथम एफ आर यू आर एम यू प्राइम आर यू आर एम यू प्राइम एफ प्राइम। अब देखिए आपका डायरेक्ट प्लस आ गया। तो यही वाला एल्गोरिथम आप लगा के बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपका क्या है आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, ये जो एल्गोरिथम था मतलब ये एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब देखिए आपका एल आया तो आप किस करते थे एक बार लगा किसी यहां करते थे, ये देखिए एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब आप एफ प्राइम करने की जगह एफ प्राइम अगर आप करेंगे तो आपका एल आएगा, तो फिर से आपको एफ ही करना है, तो फिर भाई एफ प्राइम मत करो, उससे अच्छा तो यही होगा फिर आप फिर से करिए एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, उसके बाद आप करिए एफ प्राइम। तो आप देखिए आपका ये प्लस बन गया बहुत आसानी के साथ, है ना। तो इसी तरह से अब आपको सॉल्व करना। अब देखिए ये दोनों एज से मैच है तो मैं फिर से वही एल्गोरिथम लगाऊंगा आर यू आर प्राइम यू यू टू टाइम्स आर प्राइम। अब हमको एक बार इधर घुमा देता हूँ, ये देखिए ये एडजेसेंट मैच हो गया आर यू आर प्राइम यू आर यू टू टाइम्स आर प्राइम। अब देखिए हमारे तीनों के तीनों चारों के चारों मतलब ये मैच हो चुके हैं। अभी मैं जाता हूँ देखता हूँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम कोई सा भी ये पकड़ के कॉर्नर पकड़ के हम ऐसे कर देंगे एल्गोरिथम, ये सही हो गया। अब मैं फिर से वही एल्गोरिथम लगा देता हूँ। अगर आपने मेरा 3x3 का वीडियो नहीं देखा तो फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब देखिएगा ये कॉर्नर में मैंने आपको क्या बोला था आर डैश मतलब आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ओके ये वाला एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी इस तरह से ना। ओके तो ये वाला मैंने आपको एल्गोरिथम बनाया था, मैं इसका आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूँ जिससे आप ये और स्पीडली कर सकते हैं। तो इसको और स्पीड करने के लिए आपको क्या करना रहता है, इसको आप ऐसे सीधा पकड़ते हैं, इसको सीधा की जगह आप ऐसे टेढ़ा पकड़ लीजिए इस तरह से, आपको येलो इस साइड आ जाएगा। और आप क्या कीजिए इस तरह से देखिए यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम। अब देखिए गाइस आपका ये सही हो गया। ऐसे ही आपको सारे के सारे सॉल्व करना है फिर से यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ओके गाइस ये वाला एल्गोरिथम लगाने के बाद आपका क्यूब हो जाएगा सॉल्व। ओके गाइस तो यही था कुछ प्रो टिप्स आज के हमारे वीडियो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कुछ अमेजिंग अपडेट्स के लिए अगर आपको करना हो तो, ताकि आप मेरा क्रिसमस स्पेशल अनबॉक्सिंग वीडियो को आप मिस ना करें। गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।